अस्सलामु अलैकुम। पिछले एपिसोड का सवाल, कौन से पैगंबर अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थीं? आपके ऑप्शन ए है आदम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, सी यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताएं। सही जवाब है डी दाऊद अलैहिस्सलाम। नमाज को नमाज किस जुबान में कहते हैं? आपके ऑप्शन ए है अरबी में, बी फारसी में, सी उर्दू में, डी संस्कृत में। आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताएं। सही जवाब अभी फारसी में कहते हैं। टोपी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? आपके ऑप्शन ए है फर्ज है, बी सुन्नत है, सी वाजिब है, डी मुस्तहब है। आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताएं। सही जवाब है डी मुस्तहब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन ए है अब्दुल जब्बार, बी अब्दुल मुत्तलिब, सी अब्दुल गफ्फार, डी अब्दुल गनी। आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताएं। सही जवाब है बी अब्दुल मुत्तलिब। शहीद आजम किस सहाबी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा, बी उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा, सी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा, डी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा। आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताएं। सही जवाब है डी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। माँ अपने बच्चों को कितने साल तक दूध पिला सकती है? आपके ऑप्शन ए है एक साल, बी दो साल, सी डेढ़ साल, डी 20 महीने। आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताएं। सही जवाब है बी 2 साल तक पिला सकती है। शादी के मौके पे दूल्हे को मेहंदी लगाना कैसा है? आपके ऑप्शन ए है हराम है, बी जायज है, सी मुस्तहब है, डी लगा सकते हैं। इसका जवाब आप हजरत कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जवाब जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखें।